In this topic, we are going to discuss an issue or an opportunity जिसने मुझे तो बड़ा ही तंग किया और वो है payments. भाई किसको payment लेने का नहीं शौक? All of us जो हम इस course का part भी हैं, जो मैं सिखा रहा हूँ और आप सीख रहे हैं, all of us want to make money some way. तो भाई पाकिस्तान में हमने किसी ना किसी तरह से पैसे लेने हैं ना, उसके लिए इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे पेमेंट मेथड्स. बट इससे पहले मैं ज़रा डिटेल में जाऊं टू डिस्कस वू कॉमर्स के पेमेंट मेथड. आई रियली वांट टू डिस्कस कि जनरली दुनिया में पेमेंट मेथड्स क्या हैं और पेमेंट मेथड्स क्यों यूज़ होते हैं और दुनिया में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में उसके मुकाबले में क्या हो रहा है और कैसे आप आराम से पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं. So usually the gold standard in the world for payments is PayPal. PayPal ka naam aapne aur maine kafi logon ne suna hai. PayPal kya hai? PayPal is a payment service which you can integrate on your website. Jisse aap koi bhi product sell kare to aap credit card charge kar sakte. But the unfortunate and very sad part is ki bhai PayPal Pakistan mein available hi nahi. मुझे पता है आप में से कुछ लोग जो कह रहे हैं इस वक्त कि भाई हम तो पेपॉल यूज़ करते हैं. ऑफिशियली लीगली पेपॉल इज स्टिल नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान. तो अगर आप किसी जुगाड़ तरीके से उसको यूज़ कर रहे हैं वो एक और चीज़ है, लेकिन ऑफिशियली पेपॉल पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है. तो अगर पेपॉल अवेलेबल नहीं है तो किस तरह से आप पेपॉल या पेपॉल की तरह के और अल्टरनेटिव्स को यूज़ कर सकते हैं? So one of the very famous PayPal alternatives is Payoneer. Payoneer का जिक्र हमने पहले भी अपने एक टॉपिक में किया था. Payoneer is a cross-border payment platform. भाई आपने किसी से पैसे रिसीव करने या किसी को पैसे सेंड करने तो आप उसके लिए PayPal यूज़ कर सकते हैं. बट PayPal एंड Payoneer में थोड़ा सा फ़र्क है. Payoneer is for sending and receiving money from clients. But Payoneer को आप अपनी साइड पे चार्ज करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, which is why it's probably not the best option for e-commerce transactions. तो भाई अब PayPal भी नहीं यूज़ कर सकते, Payoneer भी नहीं यूज़ कर सकते, तो आखिर करें क्या? At the end of the day, I would encourage you and I would motivate you and inspire you कि जाके ख़ुद सर्च करें कि कौन सा सोल्यूशन आपके लिए सही रहता है. I know काफ़ी लोग जो पाकिस्तान में PayPal भी यूज़ करते हैं, फिर कुछ लोग जो Payoneer भी यूज़ करते हैं. हर किसी का अपना एक प्रो एंड कॉन है. तो आपने देखना है Payoneer आपके लिए सही है या PayPal आपके लिए सही है. उसके अलावा अगर PayPal और Payoneer नहीं भी है, what are some of the other payment methods? एक उसमें से जो पेमेंट मेथड है जो कि काफ़ी मशहूर है वर्ल्ड वाइड, उसका नाम है स्ट्राइप. व्हाट इज स्ट्राइप? स्ट्राइप इज अ पेमेंट मैकेनिज्म थ्रू विच यू कैन चार्ज योर क्लाइंट्स. आप अपने क्लाइंट्स को या अपने कस्टमर्स को ऑनलाइन चार्ज कर सकते हैं एंड दे कैन स्वाइप देयर क्रेडिट कार्ड एंड दे कैन बाय प्रोडक्ट्स ऑन योर वेबसाइट. तो भाई स्ट्राइप भी है. फिर उसके अलावा एक पेमेंट प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है टू चेकआउट. टू चेकआउट क्या है? टू चेकआउट ऑल्सो अलाउज यू टू इंटीग्रेट अ पेमेंट मेथड ऑन योर वेबसाइट. टू चेकआउट के अलावा देर इज अनदर पेमेंट प्लेटफॉर्म जिसका नाम है authorize.net. authorize.net क्या है? authorize.net भी आपको ये ऑप्शन देता है कि आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पर एक पेमेंट मेथड इंटीग्रेट कर सकें और उस पेमेंट मेथड के थ्रू चार्ज कर सकें. तो भाई आपके पास पेपॉल भी है, आपके पास Payoneer भी है, आपके पास स्ट्राइप भी है, आपके पास authorize.net भी है और आपके पास
टू चेकआउट भी, इतनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं तो यूज़ कौन सी करें? दिस टोटली डिपेंड्स ऑन यू. बट देयर इज अनदर ऑप्शन जिसका मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, दैट इज कैश ऑन डिलीवरी. जी हाँ, आप अपनी WooCommerce वेबसाइट पे कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन भी दे सकते हैं. कैश ऑन डिलीवरी क्या है? कैश ऑन डिलीवरी इज कि आप लोगों से पैसे लें जब आप उनको अपना प्रोडक्ट डिलीवर करें. एंड द गुड न्यूज़ इज कि इवन लोकल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक जैज कैश या टेलीनॉर ईजी पैसा, दे वर्क ऑन WooCommerce. उनके WooCommerce के प्लगइन्स भी हैं जिनको आप यूज़ करके अपनी साइट पे WooCommerce पे पेमेंट मेथड्स लोकल इंटीग्रेट कर सकते हैं. सो देयर इज़ अ होल रेंज एंड वैरायटी ऑफ पेमेंट मेथड्स एंड ऑप्शंस अवेलेबल. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज के व्हाट आर द रिस्क्स एसोसिएटेड विद ऑल दीज पेमेंट प्लान्स. कुछ रिस्क हैं जिनका मैं आपको बता सकता हूँ. इन केस ऑफ पेपॉल बिकॉज इट्स नॉट लीगली अवेलेबल इन पाकिस्तान, तो अगर आप उसको अपनी साइट पे यूज़ करते हैं और उनको पता लग गया कि आप अपनी साइट पे पेपॉल यूज़ कर रहे हैं, दे कैन एक्चुअली ब्लॉक योर वेबसाइट. तो ये एक बहुत बड़ा इशू. उसके अलावा पेनियर का एक रिस्क ये है कि पेनियर आपको क्लाइंट से तो पैसे लेने के लिए अलाउ करता है, बट पेनियर आपको अपनी साइट पे इंटीग्रेट करने के लिए कोई सोल्यूशन नहीं देता. दैट्स अनदर रिस्क. टू चेकआउट का एक और रिस्क ये कि टू चेकआउट हैज़ वेरी हाई प्रोसेसिंग फीस, सो इट्स वेरी एक्सपेंसिव. स्ट्राइप का ये इशू है कि स्ट्राइप डज नॉट अलाउ अगेन टू वर्क लीगली इन पाकिस्तान, सो स्ट्राइप का एक और इशू है. इसी तरह आपके पास फिर लोकल प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक जैज कैश या ईजी पैसा, उनके भी अपनी तरह के रिस्क साथ साथ एसोसिएटेड हैं. तो मैं तो यूजली तौर पर आपको इंकरेज करूँगा कि आप यूज़ करें कैश ऑन डिलीवरी. कैश ऑन डिलीवरी या ऑफलाइन पेमेंट, दैट्स द बेस्ट वे और बेस्ट पेमेंट मेथड थ्रू विच यू कैन इंटीग्रेट पेमेंट्स ऑन योर वेबसाइट. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट मेकिंग मनी. इट्स ऑल अबाउट कि आप कितने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कितने पैसे बना रहे हैं. सो मेक श्योर कि ये सारी ऑप्शंस, ये सारे पेमेंट मेथड्स को एक एक करके आराम से एक्सप्लोर करें, इनको देखें, इनको समझें, इनको डिटेल में स्टडी करें और देखें कि आपके लिए कौन सा पेमेंट मेथड सही है. अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो ऑनेस्टली आई हैव ट्राइड डिफरेंट काइंड ऑफ पेमेंट मेथड्स एंड ऑल ऑफ देम हैव हेल्प मी इन सम वे, वन वे और द अदर. सो यू हैव टू डिसाइड विच वर्क्स फॉर यू. यू हैव टू डिसाइड कि कौन सा पेमेंट मेथड आपके लिए सही जाएगा और सही तरह से आपके लिए काम करेगा. सो विद दिस आई लीव इट अप टू यू, बट आई टेक यू लाइव ताकि हम थोड़ा सा देखें पेमेंट मेथड्स कैसे होते हैं, साइट पे कैसे काम करते हैं और आप उसको देख के ट्राई कर सकें, समझ सकें और उसको साथ एक्सपेरिमेंट कर सकें. सो लेट्स डिस्कस पेमेंट मेथड्स. WooCommerce के पेमेंट मेथड्स क्या हैं? सो आई विल सर्च WooCommerce पेमेंट मेथड्स एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि WooCommerce की साइट पे ही आपको डिफरेंट तरह के पेमेंट मेथड्स मिलेंगे और हो सकता है काफ़ी ऐसे पेमेंट मेथड्स हों जिनका मैंने जिक्र भी ना किया हो. सो लेट्स लुक एट सम ऑफ देम. भाई स्ट्राइप है. स्ट्राइप इज़ अ फ्री एक्सटेंशन दैट एक्सेप्ट वीज़ा, मास्टर कार्ड, JCB एंड अ लॉट ऑफ अदर कार्ड्स. फिर स्क्वेयर है, फिर पेपॉल है, फिर authorize.net है, फिर आपके पास अमेजोन पे है, फिर पे फास्ट है, फर्स्ट डेटा है. लॉट्स ऑफ ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल फॉर यू टू इंटीग्रेट इन WooCommerce और साथ ही साथ एक ऑफलाइन पेमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है. लेट्स जस्ट क्विकली लुक एट सम ऑफ द अदर और देखते हैं अगर यहाँ पे पाकिस्तान हमें मिलता है. यहाँ पे पाकिस्तान हमें अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल रहा, बट वी विल क्विकली लुक एट सम ऑफ द अदर पेमेंट ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल टू अस. पेपॉल, ईवे, सोल्यूशंस, क्लार्ना, पेसन, लाइक देर आर मोर देन अ डजन पेमेंट मेथड्स अवेलेबल. तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं आपको एक लोकल साइट पे लेके जाता हूँ जो कि एक मेरी दोस्त हैं जिनका नाम है ज़ारा. ज़ारा की साइट इज़ अ लोकल ई कॉमर्स पावर्ड वेबसाइट जो कि WooCommerce यूज़ करती है. सो लेट्स एक्चुअली ट्राई टू बाय अ थिंग फ्रॉम दिस वेबसाइट. हम असल में तो बाय नहीं करेंगे लेकिन हम उसको ट्राई ज़रूर करेंगे
और देखते हैं कि क्या होता है. सो आई एड दिस प्रोडक्ट माई कार्ट, आई क्लिक ऑन एड कार्ट. आप देखें कार्ट पे ऐड हो गया है. आई क्लिक ऑन दैट, आई गो टू व्यू कार्ट. व्यू कार्ट से आई कैन यू नो प्रोसीड टू चेकआउट. आप भी अपनी साइट पे ये ऑप्शंस दे सकते हैं. और अब देखें कि नीचे मुझे वो तीन ऑप्शंस दे रहा है. एक है ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र. सो व्हाट इज़ ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र? मेक योर पेमेंट डायरेक्टली इनटू आवर बैंक अकाउंट. प्लीज़ यूज़ योर ऑर्डर आईडी एज द पेमेंट रेफरेंस. योर ऑर्डर विल नॉट बी शिफ्ट अंटिल द फंड्स हैव क्लियर्ड इन आवर अकाउंट. इसका क्या मतलब है भाई? इसका ये मतलब है कि अगर आप अपनी साइट पे ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र की ऑप्शन देना चाहते हैं तो दिस इज़ वेरी मच अ पॉसिबिलिटी. फिर दूसरी पेमेंट ऑप्शन है कैश ऑन डिलीवरी, पे विद कैश अपॉन डिलीवरी. ये आपके पास एक और ऑप्शन है जिसको आप इनेबल कर सकते हैं अपनी साइट पे, और पे विया इजी पे. इजी पे क्या है? इजी पे इज एन इजी पैसा सॉल्यूशन जो आप लोकली अपनी साइट में इंटीग्रेट कर सकते हैं. सो पीपल कैन डायरेक्टली पे थ्रू देयर कार्ड टू योर वेबसाइट. सो दीज आर अ फ्यू ऑफ द डिफरेंट ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल टू यू दैट कैन हेल्प यू मेक थिंग्स वेरी ईजी वेन इट कम्स टू पेमेंट्स ऑन योर वेबसाइट. और इसको अब जल्दी से हम जाएंगे और अपनी साइट में, अपनी ई कॉमर्स रेडी वेबसाइट में देखेंगे कि वहाँ पे हाउ डज इट वर्क आउट और कैसे हम पेमेंट्स को वहाँ पे एडिट कर सकते हैं. सो आई एम ट्राइंग टू लॉग इन टू माई साइट विच इज़ digiskills.pk/webhostapp.com और वहाँ पे मैं इन पेमेंट ऑप्शंस को आपको लाइव एक दिखाना चाह रहा हूँ. सो विल गो टू WooCommerce, विल गो टू सेटिंग्स और सेटिंग्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनमें से एक ऑप्शन का नाम है पेमेंट्स. सो आई कैन क्लिक ऑन पेमेंट्स एंड जब मैं पेमेंट्स पे क्लिक करूँगा तो नाउ यू हैव एन ऑप्शन ऑफ डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, चेक पेमेंट्स, कैश ऑन डिलीवरी, पेपॉल. सो दीज आर द डिफरेंट ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल टू यू और ये आप अपनी साइट में इनेबल या डिसेबल विद द क्लिक ऑफ अ बटन कर सकते हैं या आप इनको अलग से सेटअप भी कर सकते हैं. तो इसमें हमारा साथ रहा पेमेंट मेथड्स का. पेमेंट मेथड्स इज सुपर क्रूशल बिकॉज पैसे हर किसी ने बनाने हैं. फॉर दैट यू नीड टू नो व्हाट पेमेंट मेथड्स आर. सो इसको डिटेल से देखें, समझें, डिटेल से एक्सप्लोर करें ऑन हाउ यू कैन इंटीग्रेट गुड, वेरी फास्ट, वेरी सिक्योर एंड एजाइल पेमेंट मेथड्स इन योर WooCommerce powered WordPress वेबसाइट.